बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्साइज इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन को एलएसएम ने सेशन चलाया हुआ था, 8 सितंबर को आपका पेपर की डेट आ गई, आपको पता है। तो मैंने कल आपका रैपिड सेशन स्टार्ट किया था, तो आज हमारा फर्स्ट टेस्ट है। मैंने कल आपको जियोग्राफी के तमाम लेक्चर्स और तमाम नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए थे, और आपसे कहा था कि ये 8 लेक्चर्स और 8 जो लेक्चर्स के नोट्स हैं जियोग्राफी के वाले से, अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जियोग्राफी के वाले से ईच एंड एवरीथिंग के लिए हो जाएगी, हर क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो उसके बाद आज ही इसका हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हमने क्या करना है। नेक्स्ट आपने एवरीडे साइंस को आपने कंप्लीट करना है। एवरीडे साइंस के 10 लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला, और उन 10 लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और जो लेक्चर्स हैं वीडियो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो ये 10 के 10 लेक्चर्स आपने एवरीडे साइंस के, और साथ उसके पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपने आज की रात और कल का दिन, ये आपके पास तकरीबन 24 आवर्स होंगे, इनमें आपने कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला इसी टाइम आपका एवरीडे साइंस का भी टेस्ट होगा, और साथ इसके इंशाल्लाह ताला हम आपने आज इंग्लिश का भी लेक्चर होगा, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह ताला आपका इंग्लिश का लेक्चर भी होगा साथ। तो इंग्लिश को 8 सितंबर तक हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट इसी तरीके से ही साथ साथ लेकर चलेंगे। एवरीडे साइंस के बाद इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना कोई और सब्जेक्ट जो है इस्लामियात या मुताला पाकिस्तान या जो उर्दू वगैरह, ठीक है, इस तरह का कोई सब्जेक्ट आपके साथ 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 शेयर करता जाऊंगा। तो ये अगर आप अभी भी ये 10-12 दिन जो आपके पास हैं अगर आप मेहनत कर लेते हैं, अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते हैं, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका इंटेलिजेंस फीसर के वाले से कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो इंटेलिजेंस फीसर के ही भी हमारे पास रैपिड सेशन में भी आए थे, सिर्फ 15 दिन उन्होंने भी किया था, आपको पता है इंटेलिजेंस फीसर के वाले से भी हमने 15 दिन का चलाया था, तो 15 दिन वाले सिर्फ उन्होंने किए थे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में जो है ना 70+ में चले गए हैं। तो आप भी इंशाल्लाह ताला 70+ में चले जाएंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की, आज से ही तैयारी कर लें, और ये आप जो टेस्ट सेशन है 15 दिन का रैपिड सेशन है, यही अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो ना आपका पेपर पास हो सकता है। तो आज आपका जो टेस्ट था, टेस्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। अभी मैं आपके साथ इसकी आंसर की शेयर करने लगा हूँ, आप इसके साथ अपने टैली कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था जी, वेयर इज़ पाकिस्तान लोकेटेड। पाकिस्तान की लोकेशन जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया। पाकिस्तान टोटल एरिया पाकिस्तान का 796,096 मुरबा किलोमीटर पहले होता था, तो उसकी वजह से बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जब से केपी के मर्जर हुआ है ना, केपी का फाटा में जो मर्जर हुआ है, उसके बाद इस पाकिस्तान का होगा जी 881913 स्क्वायर किलोमीटर, 881913 स्क्वायर किलोमीटर ये आपका एरिया होता है। व्हाट इज़ द पाकिस्तान रैंक इन वर्ल्ड बाय एरिया, एरिया वाइज पाकिस्तान 33rd, जो ना तीसरा 33वां बड़ा मुल्क है। व्हाट इज़ पाकिस्तान रैंक बाय पॉपुलेशन वाइज, पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है जी। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया, एरिया के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो आपके पास बलोचिस्तान होता है। फिर आपके पास व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ड्यूरेंट लाइन। ये आपका इंटेलिजेंस फीसर में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। तो ये आप साथ साथ आपका मेंशन करता जाता हूँ। उसके बाद है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 1058 किलोमीटर। ये आपका जो ना जो ASF इंस्पेक्टर में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान इंडिया सेटल 1947, ये भी आपका ASF पेपर में आपके पास रेड क्लिफ लाइन, ये भी पेपर में क्वेश्चन आपका आया हुआ था। नेक्स्ट है जी, विच माउंटेन रेंज इज़ द यंगेस्ट एंड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। हिमालय रेंज जो ना दुनिया की यंगेस्ट भी है और ये हाइएस्ट भी, इसमें आपको पता है माउंट एवरेस्ट उसी में होती है। फिर है जी, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, जो नेपाल में है, नेपाल में है जी वो माउंट एवरेस्ट। फिर आपके पास है व्हाट इज द हाईएस्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो 8850 मीटर। उसके बाद है जी, व्हाट निक नेम इज गिवन टू नांगा पर्वत, नांगा पर्वत का जो निक नेम है वो आपके पास किलर माउंटेन है, किलर माउंटेन। उसके बाद विच पीक इज द हाईएस्ट इन कराक्रम रेंज, के टू, ये भी क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस फीसर में आया हुआ था। उसने पूछा था आपके पास के जो के टू का बल्कि उसने दूसरा नाम दिया हुआ था, के टू का जितना वो उसने डायरेक्ट के टू नहीं बोला था, के टू का उसने दूसरा नाम आपसे बता के ना जी, गॉडविन ऑस्टन। आपको पता जो के टू है ना, के टू का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टन।
तो गॉडविन आस्टन उसने कहा हुआ था किस रेंज में पाई जाती है, ये कराक्रम रेंज में है। जो आपकी माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय रेंज में है और गॉडविन आस्टन मीन के केटू आपकी कहाँ पे है, कराक्रम रेंज में है। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सुलेमान रेंज, सुलेमान की तख्ते सुलेमान रेंज इसका जो हाईएस्ट है। वेयर आर द चागी हिल्स लोकेटेड, तो चागी हिल्स आपको पता है बलोचिस्तान में है, तो चागी हिल्स के वाले से क्वेश्चन बनता है जो पाकिस्तान में कहाँ पे जनाब जाके ना ये जो है एटमी धमाके किए थे, ये चागी हिल्स में जाके किए थे। ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साल्ट रेंज इन पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस फीसर में आया हुआ था। इट कंटेन्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पिंक साल्ट रिसोर्सेज। उसके बाद जी विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान, इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। व्हाट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ द कोटरी बैराज, कोटरी बैराज का दूसरा नेम है जी गुलाम मोहम्मद बैराज, गुलाम मोहम्मद बैराज। वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट, इंडस रिवर जो आपका जिसको हम दरियाए सिंध भी कहते हैं, लेक मानसरोवर तिब्बत से ये निकलता है। ठीक है जी, उसके बाद जी विच रिवर इन पंजाब इज नोन टू बी द मोस्ट पोल्यूटेड, पोल्यूटेड जो ना ये रावी, ये बहुत दफ़ा पेपर में क्वेश्चन में ये पूछा गया है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है पोल्यूटेड, जो मोस्ट पोल्यूटेड आपके पास है रिवर रावी। ठीक है, रावी के वाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, बताएं जी वो कौन सा दरिया है जो लाहौर के दरमियान से गुजरता है, फिर वो कौन सा दरिया है जिसके ऊपर जनाब आपके पास साहिवाल वगैरह जो ना जिसके किनारे के ऊपर पाए जाते हैं, फिर वो पूछता जहांगीर का जो मकबरा है वो किस दरिया के किनारे पे है, तो ये रावी के वाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, और ये सबसे छोटा दरिया भी है। द रसूल बैराज इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, झेलम पे ऊपर है। विच रिवर इज लॉन्गेस्ट इन पंजाब, पंजाब का सबसे बड़ा सतलुज है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस है, सिंध का भी इंडस ही हो गया। ठीक है जी, और पंजाब का सतलुज है। विच टू रिवर्स डिफाइन द सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब, दोआब के वाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये रचना दोआब, दोआब बारी दोआब, सिंध सागर दोआब, ये आपने ये आपको मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ाया था, ये आपने ज़रूर याद करके जाना है, बिल्कुल आसान होते हैं दोआब। ठीक है जी, इंडस और झेलम के दरमियान आपके पास है जी आपका आ गया जी सिंध सागर दोआब। विच बैराज इज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट बैराज इन पाकिस्तान, ये आपके पास है जी कोटरी बैराज, सॉरी सखर बैराज, सखर बैराज, सखर बैराज पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट भी है और सबसे लार्जेस्ट भी है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज इन बलोचिस्तान इज अ फिश हार्बर, जो जीवानी पोर्ट इसके वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवानी पोर्ट जो है ना ये पाकिस्तान की फिश हार्बर है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट जो है ना ये इसका भी क्वेश्चन लाजमी पेपर में पूछा जाता है कि बताएं जी ग्वादर पोर्ट के वाले से क्वेश्चन, एक तो पूछा जनाब ये बताएं जी ये किस जो प्रेसिडेंट साहब थे या किस वजीर आजम साहब ने ग्वादर पोर्ट को किस मुल्क से लिया था। ठीक है जी, ओमान से लिया था। ठीक है, ये कब लिया था। ठीक है, ये सारे के सारे ग्वादर के वाले से मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ाया था ग्रुप में, जो व्हाट्सएप में जो आपका जो लेक्चर हुआ था, तो इसके वाले से ये भी आपको मैं मेंशन कर दूं, ग्वादर को अच्छे तरीके से याद कर जाइएगा। उसके बाद है जी ये भी सी पैक के साथ भी यही आपके पास जो है ना ग्वादर पोर्ट ही इसके साथ ये जो ये एसोसिएट है। विच पोर्ट इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम द चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, ईरान की जो चाबहार पोर्ट है ना ये आपके पास जीवानी पोर्ट से 110 किलोमीटर दूर है। तो ये क्वेश्चन इसको वो मुख्तलिफ अंदाज से पूछता है कि बताएं जी जो चाबहार पोर्ट है ये किसकी पोर्ट है, ये अफगानिस्तान की है, इंडिया की है, या यमन की है, किसकी है, तो ये ईरान की है। ठीक है जी, व्हाट यूनिक फीचर डज द गडानी पोर्ट हैव, गडानी पोर्ट जो है ना इट इज़ अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग पोर्ट, शिप ब्रेकिंग जहाँ पे जहाज़ों को तोड़ा जाता है। वेयर इज़ अ जिनार नेवल बेस लोकेटेड, ओमरा पोर्ट, ओरमारा पोर्ट जो है ना ओरमारा पोर्ट ये जिनार नेवल बेस है। ठीक है जी, समझ आ गया। ये पोर्ट्स के वाले से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाएगा, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था कि आपके पास जो ना ये पोर्ट्स ये आपके पास होता है ना जी ऐसे ऐसे पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है। ठीक है जी, तो इसमें से कुछ आपके पास पोर्ट्स है ना बलोचिस्तान में आती है मकरान हाईवे में, मकरान कोस्ट लाइन में। ठीक है जी, और फिर कुछ आपके पास है जो ना मेहरान कोस्ट लाइन में आती हैं। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पे चार होते हैं, यहाँ पे तीन होती हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद करके जानी है। ठीक है जी, पोर्ट्स के वाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आपके पास जी व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ बिन कासिम पोर्ट, पिपरी पोर्ट था बिन कासिम पोर्ट का पुराना नाम। विच पोर्ट इन सिंध इज स्पेसिफिकली या फिश हार्बर, तो कैटी बंदर जो है ना ये पूछता है, कैटी बंदर बताएं कहाँ से है, तो सिंध की पोर्ट है ये। ठीक है जी, जो पोर्ट्स के वाला से आपने सुबह जरूर याद करके जाना, पूछेगा आपसे कि फलान पोर्ट सिंध की है कि बलोचिस्तान की है। विच पोर्ट इन बलोचिस्तान इज लोकेटेड नियर द लार्जेस्ट आईलैंड ऑफ पाकिस्तान अस्टोला, पसनी पोर्ट जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ना वो अस्टोला है। ठीक है जी, वो पसनी पोर्ट उसके करीब पाई जाती है। फिर आपके पास है जी विच डेजर्ट इज नोन एज द ओल्ड कोल्डेस्ट हाईएस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे जो है ना बड़ा और सबसे ठंडा जो आपका डेजर्ट है वो कटपाना डेजर्ट है, कटपाना डेजर्ट ये गिलगित बल्तिस्तान में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कटपाना डेजर्ट लोकेटेड, ये खपलू और सकरदू ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है।
उसके बाद द थल डेजर्ट इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर इंडस और जेहलम और चनाब के दरमियान जो है ना, ये इंडस ऊपर से आ रहा होता है ना, फिर ये ऐसे ऐसे चनाब इधर से आ रहा है, इधर से जेहलम आ रहा होता है, ठीक है जी। तो जेहलम और चनाब मिल जाते हैं, तो ये जेहलम और इंडस के दरमियान में भी आता है, जेहलम और इंडस के दरमियान भी आता है, और आगे जाकर जेहलम और इंडस और चनाब के दरमियान में भी आ जाता है, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया जी, आपके पास है जी जो थल डेजर्ट है। उसके बाद है जी विच डेजर्ट इज नोन आल्सो नोन एज द रोही डेजर्ट, तो चुलिस्तान को रोही डेजर्ट भी हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी द थर्ड डेजर्ट इज नोन एज द हर का डेजर्ट है, ये सैंडियन माउंटेन डेजर्ट है, ये इनके टीले हैं और ये रेत रेत वगैरह इसमें पाई जाती है। उसके बाद है जी विच डेजर्ट लाइज इन द वेस्ट ऑफ द किरथर रेंज एंड ईस्ट ऑफ द पाकिस्तान लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट चागी, जो खरान डेजर्ट है ना, ये किरथर रेंज में पाया जाता है। उसके बाद जी वट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान आईलैंड पाकिस्तान लैंड एरिया इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट, तो 4.8% पाकिस्तान के ऊपर जंगलात है, वैसे आपको पता है ये 25 पे होना चाहिए। नेक्स्ट है जी विच प्रोविंस इन पाकिस्तान कंटेन 40% ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट, तो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जंगलात जो है केपी में पाए जाते हैं। विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन लाहौर पंजाब छांगा मांगा, ये भी क्वेश्चन आपका पीपीएससी में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। जो मैन मेड सबसे बड़ा जो आपके पास फॉरेस्ट है वो छांगा मांगा का फॉरेस्ट है। इसमें शीशम के दरख्त बहुत ज़्यादा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें इसमें कौन से दरख्त हैं, शीशम के दरख्त हैं, शीशम के। विच इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, अमेजोन फॉरेस्ट अमरीका का। फिर जी वट शेप इज द अर्थ क्लासीफाइड एज, जो जो जमीन की शेप है वो ओब्लेट स्फीराइड है, स्फीराइड है, स्फीराइड है, ठीक है जी। जमीन की शेप वो कह देगा आपसे जी गोल है, जमीन के राउंड है, सर्कल है, या एलिप्साइड है, तो ये स्फीराइड, ये स्फीराइड है, स्फीराइड है, ओब्लेट स्फीराइड है। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन इज नोन मरियाना ट्रेंच, ये भी क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है पीपीएससी का। तो दुनिया का सबसे गहरा तरीन मुकाम जो है पैसिफिक ओशन में है, मरियाना ट्रेंच, ठीक है जी। विच एक्सप्लोरर यूज द अटलांटिक ओशन टू डिस्कवर अमेरिका, अमेरिका को जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को दरियाफ्त किया था तो वो अटलांटिक ओशन से होता हुआ जनाब आगे गया, यूरोप से गया था ना ये। उसके बाद जी वट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर द नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर का वो सियाचिन ग्लेशियर से ही सारा पानी नुब्रा रिवर में जा रहा है। फिर आपके पास है जी विच कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी, स्वीज कनाल, स्वीज कनाल, नहर स्वेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा फेवरेट ही क्वेश्चन है पीपीएससी का, काफ़ी दफा है, ये तो तकरीबन पता नहीं कोई 500 दफा आ चुका है। फिर उसके बाद जी द लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल रिवर इन द वर्ल्ड, ग्रैंड कैनाल, ग्रैंड कैनाल जो है ना ये आर्टिफिशियल रिवर है दुनिया का सबसे बड़ा। द कॉन्टिनेंट विद द हाइएस्ट पॉपुलेशन, एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। विच ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया, इंडियन ओशन, ये मैंने आपको पूरा वो जो है ना आपको मैप के थ्रू आपने सारा मैंने आपको करवाया था। उसके बाद जी द टर्म बहरे जुलमात मेंशन्ड बाय लामा इकबाल रेफर्स टू विच ओशन, तो लामा इकबाल ने किस समंदर को बहरे जुलमात कहा था, अटलांटिक ओशन को कहा था, उसने कहा था तख्त दश्त तो दश्त सही दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुलमात में दुड़ा दिए घोड़े हमने। हाउ मैनी रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंट सोवेरियन स्टेट्स आर इन द वर्ल्ड, 193, ये भी आपका इंटेलिजेंस फीसर में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाई लैंड एरिया, रशिया। विच कंट्री इज द स्मॉलेस्ट बाई लैंड एरिया, वेटिकन सिटी, ये वेटिकन सिटी जो है ना बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है पीपीएससी का, काफ़ी दफा आया जो आ चुका है। विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस, इंडिया। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री बाई पॉपुलेशन, वेटिकन सिटी। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाई लैंड एरिया, कैनेडा। विच इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट। विच कंट्री इन एशिया हैज द लार्जेस्ट लैंड एरिया, रशिया। वट परसेंटेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया, 60% आबादी एशिया में है। विच कंट्री लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बाई एरिया, कजाकिस्तान। वट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया, उसके बाद ओलमबतार, ओलमबतार। उसके बाद आपके पास है जी विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोडक्शन इन एशिया, सऊदी अरेबिया। हाउ मैनी लैंड लॉक्ड कंट्री इन एशिया, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ था जनाब, 12 टोटल हैं। अफगानिस्तान जो है ना हमारे खित्ते का, तो अफगानिस्तान के वजह से लैंड लॉक्ड पूछा गया था, ऐसा कंट्री जिसका कोई भी सरहद समुद्र के साथ नहीं मिलती, सारी की सारी वो लैंड उसकी लॉक्ड होती है, ये अफगानिस्तान, ये पूछा गया था आपका किसमें जी, ये परसों जो आपका पेपर हुआ है इंटेलिजेंस फीसर का। विच कंट्री इन एशिया इज डिवाइडेड बिटवीन टू कंट्रीज, टर्की, टू कॉन्टिनेंट्स, दो कॉन्टिनेंट के अंदर तुर्की है, ठीक है जी, ये यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, थिम्पू। या स्विज कैनाल सेपरेट्स विच टू कॉन्टिनेंट, एशिया और अफ्रीका को ये जनाब ये जो इसको सेपरेट करती है। उसके बाद जी विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडोनेशिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया, अल्जीयर्स। विच करेंसी इज यूज्ड टू एन एंगोला, एंगोला क्वांजा।
उसके बाद विच इज द करेंसी ऑफ बोट्सवाना, बोट्सवाना पोला। उसके बाद जी ओगवागवा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, जर बुर्किना फासो। उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कैप वर्दी, पारिया, ठीक है, प्राया। विच करेंसी इज यूज इन कैमरोन, कैमरोन की जो करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन सी एफ ए फ्रांस, ठीक है जी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाड एंड डजुमाना। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजिप्ट, पाउंड। विच सिटी इज द डिफेक्टो कैपिटल ऑफ तंजानिया, दार इज सलाम, दार इज सलाम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गाना, आकड़ा। विच कंट्री हैज प्रिटोरिया एज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, साउथ अफ्रीका का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो प्रिटोरिया है, ठीक है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ टर्की, लीरा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार 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 पूछता है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, पाउंड स्टर्लिंग। वेयर इज द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट लोकेटेड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास यूरोपियन यूनियन के हवाले से काफी क्वेश्चन पूछता है वो। विच कंट्री इज द लेटेस्ट टू अडॉप्ट द यूरो इन 2023, जो ना क्रोएशिया, क्रोशिया ने जनाब ये यूरो को 2023 में अडॉप्ट किया है। फिर व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री वार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशाने हैदर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो, नेटो के वाले से काफी क्वेश्चन पूछता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ नॉर्वे, क्रोन, क्रोन, ठीक है जी, क्रोन। उसके बाद आपके पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मास्क इज लोकेटेड इन मक्का, ये मस्जिद अल हरम मक्का में है, ठीक है जी। मस्जिद नबवी मदीना में है, मस्जिद हरम जो है वो मक्का में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी बिलोंग्स टू इसराइल, मुसाद। विच मास्क वाज डिस्ट्रॉयड बाय कमांड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद को शहीद किया था, मस्जिद जरार थी, अल्लाह पाक ने इसका हुक्म दिया था, यह मुनाफिकों की मस्जिद थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, साथ आपने टैली भी कर लिए होंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल आपके एवरीडे साइंस के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।